मुरादाबाद जनपद के मजौला थाना क्षेत्र नया मुरादाबाद सेक्टर 13 में उस समय सनसनी फैल गई जब बंद मकान में एक युवती का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के गांव डियोरी बाजे की रहने वाली एक युवती लगभग पिछले 2 महीने से मुरादाबाद जनपद में किराए के मकान में रहकर एक कंप्यूटर सेंटर में कोचिंग में पढ़ाती थी। मृतका के भाई राहुल ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी बहन मुरादाबाद के नया मुरादाबाद सेक्टर 13 में किराए के मकान में अकेली रहती थी। 3 दिन से वो अपनी बहन के मोबाइल पर फोन कर रहे थे मगर फोन नहीं उठ रहा था। लगातार कॉल की जा रही थी। कल भी अपनी बहन की तलाश में यहां पर आए मगर उन्हें पता चला कि बहन ने मकान दूसरी जगह किराए पर ले लिया है, जिस पर आज वो फिर अपनी बहन की तलाश में यहां पर आए और जब यहां आए तो मकान से बदबू आ रही थी। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची मझौला थाना पुलिस ने जब मकान को खुलवाया तो उसमें युवती का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। मृतका के भाई राहुल ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है कि उनकी बहन ने फांसी लगाई है या उनकी हत्या की गई है। वो चाहते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी सिस्टर है। क्या नाम था इनका? इनका काजल कुमारी, कुमारी काजल। क्या करती थी? ये कोर्स करती थी, कंप्यूटर कोर्स। लगभग 3 दिन हो गए, मतलब आज चौथा दिन है हमें फ़ोन नहीं ट्राई हुआ। तो हमने कल शाम के टाइम ढूंढा यहाँ पे, तो हमें मतलब जब कोई बताएगा हमें तो पता नहीं चला कि कहाँ रूम है, लेकिन हमने किसी से मालूम करा पुराने, जहाँ पुराने उसमें रहती थी तो उसने बताया कि यहाँ पे, तो आज सुबह हम यहाँ पे आए हैं। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मझौला थाना क्षेत्र नया मुरादाबाद सेक्टर 13 में एक बंद मकान में युवती का शव मिला है। युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यहाँ सेक्टर 13 नया मुरादाबाद थाना मझौला, यहाँ पर एक मकान बंद था, उसमें अंदर से कुछ स्मेल आ रही थी। उनके घर पर सूचना की गई, परिजनों की उपस्थिति में गेट को खोला गया तो एक महिला मृत अवस्था में मिली है, जिसने फांसी लगाकर सुसाइड किया है। सर, प्रथम दृष्टिया आपने देखा, क्या लगा आपको? अब किस कारण से की है अभी परिजन इनके नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन हम लोग जानकारी भी कर रहे हैं, संभवतः किसी प्रेम प्रसंग का मामला भी हो सकता है, इसके साथ हम लोग अभी जानकारी कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।